हेलो, कैसे हो आप लोग? ग्रेट। चलो, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे डायरी राइटिंग। तो डायरी राइटिंग बेसिकली एक पर्सनल फीलिंग होती है, ठीक ना? तो इस पर्सनल फीलिंग्स में किस तरह से हमें राइट करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है? तो टेंस की जो रिदम है, एक जिसको बोलते हो आप सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस को लेकर हमें चलना है, ठीक है? तो चूंकि यह एक दिन का पूरा लेखा जोखा होता है, तो उसी ढंग से हमें इसे स्टार्ट करना है। तो बिना कोई समय को गवाए हुए मैं शुरू करता हूं आज की यह डायरी एंट्री। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ, इसको ठीक से पढ़ने की चीज होती है, ठीक है? इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ो। पढ़ने के बाद इजिली, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर करेक्ट फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे तो सजल ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ, योर अंकल गेव यू अ नाइस बर्थडे प्रेजेंट। आपके अंकल ने आपके बर्थडे पे एक नाइस प्रेजेंट। एक्सप्रेशन योर फीलिंग्स राइट अ डायरी राइटिंग। सिंपल सी बात है, जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप खुश होते ही हो, और जब हमारी बर्थडे होती है उस दिन हम बहुत ही खुश होते हैं। तो एक तो खुशी है ही, जब अंकल ने आपको गिफ्ट दे दिया तो खुशी दुगनी हो गई। तो चलो देखो कैसे हम शुरू करते हैं, क्या चीजें हैं उस पर ध्यान देने के लिए। तो देखो, फॉर्मेट है डे डेट टाइम, और उसके बाद देखो एक जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, एक लाइन की गैपिंग है, उसके बाद डियर डायरी लिखनी है। तो डायरी लिखते समय कुछ भूल ना कर दीजिएगा। देखिए, डायरी की स्पेलिंग है DIARY, बहुत ऐसा मत कर दीजिएगा, DAIRY मत लिख दीजिएगा, ये गलत है, इसका मतलब दूध हो जाएगा, दूध वाली फैक्ट्री हो जाएगी, क्यों लिखना? उसके बाद एक तो या तो आप एक ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो, या फिर डे शुरू में, उसके नीचे डेट, उसके बाद टाइम, और उसके बाद ये लाइन गैपिंग, वन स्पेस गैपिंग लिखनी है। अब डियर डायरी जो लिखना है, डियर डायरी के बाद भी एक लाइन की गैपिंग हमें रखनी है, ठीक है? और लास्ट में क्या होगा वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा इस वीडियो के, तो बने रहे मेरे साथ। अब देखो, मैंने यहां पे एक टाइम का कौन सा टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होगा उसको टाइम के अनुसार मैंने डिवाइड। तो देखो, होल डे जो डिवाइडेड होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक डे जब सन, जब तक सन रहता है ना, जब तक सूरज रहे, है ना, दिन का टाइम, और जब सूरज अस्त हो जाए, इवनिंग का टाइम। तो उन दोनों के बीच में टेंस की क्या डिवीजन होगी वो देखेंगे। तो जो डे टाइम है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं, यानी जब तक सूरज है, चूंकि आप डायरी की एंट्री करते हो रात के टाइम में, तो इसलिए बस सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। जब नाइट की टाइम आएगी तो आप सिंपल प्रेजेंट का यूज मत करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना, प्रेजेंट परफेक्ट। और एक देखो लास्ट में लिखा हुआ स्लीपिंग टाइम, जब स्लीपिंग टाइम की सेंटेंस जब बनेगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बस इन्हीं टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाना है आपको। तो शुरू करते, देखिए मैंने क्या लिखा है कि अंकल ने कैसे क्या किया है। तो सबसे पहले जो दिन है उस दिन को लिख देना है। आज देखो, आज संडे है, ठीक है, संडे लिख दिया मैंने। उसके बाद आज 27 फेब, चुकी है जो वीडियो बन रहा है ना वो 27 फेब को बन रहा है, तो 27 फेब फेब्रुअरी देखो मंथ का नाम है। उसके बाद हमने कॉमा डाल रखा है, उसके बाद लास्ट में ये हमें ईयर डाल देना है, ठीक है? चलो, अब लाइन गैपिंग नहीं छोड़नी है। टाइमिंग, टाइमिंग लिखा है मैंने 10:15 PM। आप ये मत बोलना कि सर AM में क्यों नहीं लिख सकते हैं उसको। AM में इसलिए लिख सकते हैं कि जो पूरा दिन का जो कारोबार हुआ, हम जब सोने जाते हैं उसको एकांत मन से सोचते हैं तो सोते सोते PM ही हो जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दिन में भी दिन दरा के सोए रहते हैं, दिन
दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसीलिए पीएम करना है, अपने आप को चुस्त फुर्त दिखाना है। चलिए अब एक लाइन की गैपिंग। हाँ तो हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है डियर डैडी। कुछ लोग क्या करते हैं डैडी का नाम भी दे देते हैं, तो डैडी का नाम देने का मतलब हुआ कुछ भी नाम दे सकते हो आप। डैडी का नाम देने का मीनिंग क्या हुआ, चूंकि पर्सनल फीलिंग्स होती है, डायरी बेसिकली वही लोग लिखते हैं जो कि अपनी सारी सेक्रेट बात किसी ऐसे जगह लिखना चाहते हैं, चूंकि आज तो भरोसा नहीं है किसी का किसी से, तो अपनी सारी बातें अपनी सारी फीलिंग्स एक कॉपी में उतारना चाहते हैं, उसको एज ए फ्रेंड वो ट्रीट करते हैं। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि डायरी की नाम भी लिख दी है, तो अगर आप डायरी की नाम लिख देते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलने का चांस हो जाता है। टीचर समझते हैं कि ये बच्चे ने कुछ मेहनत करा है। तो चलो भाई डायरी का नाम लिख देते हैं, डियर सैम, डियर सैमी, ठीक है। चलो डायरी का नाम दे दिया डियर सैमी। उसके बाद लिखना है शुरुआत करने, शुरुआत तक फर्स्ट लाइन में झटका मत खाना। देखो क्या लिखा, इट हैज बीन अ वंडरफुल डे टुडे। तो टुडे जब आपने लगा दिया है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही डालना होगा। हम कभी भी नहीं लिख सकते इट वॉज ए वंडरफुल डे टुडे, क्योंकि टुडे यह एक प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसके साथ पास्ट। हाँ अगर आपने टुडे नहीं लगाया तो आप यहां पे इट वॉज ए वंडरफुल डे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। वेरी मॉर्निंग यानी तड़के सुबह, अभी की सुबह, when I opened my eyes, I saw a branded tab beside my pillow. देखो गिफ्ट देने का कितना अच्छा तरीका है, बच्चा सोया हुआ ही है उसी के पिलो के बगल में एक ब्रांडेड टैब। I immediately guessed, ये कौन ला सकता है, I immediately guessed that my beloved uncle has arrived without wasting, चूंकि उसको पता चल गया कि अंकल आ चुके हैं, without wasting my any moment I ran upstairs and found that Uncle Sam was laughing and talking. ठीक है, वो किसी से बात ही कर रहे होंगे, घर के मेंबर से अपने अपने नहीं बात कर सकता, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। I hung in his arms and he gave his nice wishes on my birthday. मैं झूल गया अंकल की बाहों में, नाइस विशेस हो गया, चलो भाई ठीक है। In the evening we all celebrated together. Chuki birthday tha na, evening mein hi manega. When I unwrapped another gift, I found my choice dress. It was from my mother. Unki maa ne choice gift diya tha, unka dress tha. It was from my mother. Really? Ye to ho gaya. Lekin aap bas aise hi kuch bhi apne man se kuch bhi laga sakte ho. Hai na? Aapke papa ne kya diya, aap wo bhi likh sakte ho. तो आप सेंटेंस को इनलार्ज कर रहे हो। नेक्स्ट है, इट हैज बीन अ वंडरफुल डे फ्रॉम मी व्हिच आई विल रिमेंबर थ्रू आउट माय लाइफ, यार मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन रहा, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। अब लास्ट वाला लाइन देखो, क्लोजिंग लाइन, मेरे पास स्लीपिंग टाइम प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब देखो नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी, थैंक यू डियर, थैंक यू डैडी, सी यू नेक्स्ट डे, बाय। लास्ट में एक काम करना है, अपना नाम लिख देना है एज ए सिग्नेचर, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, एज ए सिग्नेचर। इट इज अ वे ऑफ राइटिंग डायरी। आई होप आप सभी लोगों को यह जो डायरी राइटिंग की जो मटेरियल है अच्छी लगी होगी। तब तक इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का, बाय।